मुझे कोई पैसे नहीं ना देता तो मुझे भी दर्द होता है। सारी जिंदगी तो इंतजार ही की है, अभी जाके साले को ठोक के आता हूँ मैं। वेले मुरादे जो भी है बचना नहीं चाहिए। जो तस्वीर भेजी थी ना वो बंदा चाहिए मुझे, जिंदा या मुर्दा। बॉस जैसे आपने बोला था मैंने वैसे ही किया। गुड गुड। लेकिन मैंने सुल्तान का नाम नहीं लिया, मुझे शक है कि शायद सुल्तान ने ही किया। यार छोड़ इस चीज को, जिसने भी किया हमें इसे कोई लिंक नहीं। आपने मुझे जोकर बना के रखा हुआ है। देखे मुझसे ना ये जोकर वाला सही नहीं होगा, या तो मुझे क्राइम रिपोर्टर बना दें या मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। इसका दिमाग खराब है, इसको समझा। अब मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। क्या यार बॉस, मैं जब भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ आप उठकर चले जाते हो, मजाक बना के रखा हुआ है मेरा। भाई मजे तो तेरे हैं। पता है आपको कितना डेंजरस काम है? कभी धमकी आती है कि आपकी फैमिली को उठा लेंगे, कभी कहते हैं कि आपकी फैमिली को मरवा देंगे। यहाँ पे जान अटकी हुई हमारी यहाँ पे। भाई जिस काम में खतरा ही ना हो उस काम को करने का क्या फायदा, मजा ही इस चीज में आता है। मैं जब इस फील्ड में आया था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं लोगों को सच बताऊं, और मैं क्या कर रहा हूँ। ओ भाई ठंडा हो जा, सच इतना कड़वा होता है कि हलक से नीचे नहीं उतरता और सबसे बर्दाश्त भी नहीं होता। हम कर क्या रहे हैं? हमें यह कहा जाता है कि उसका नाम नहीं लेना, इसका नाम नहीं लेना, उसको कुछ नहीं कहना, इसको कुछ नहीं कहना, बस डर के जीत रहे हैं हम। रिपोर्टर का काम होता है लोगों को सच बताना, और हम क्या कर रहे हैं? अरे भाई अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो अपनी फैमिली के क्यों दुश्मन बने हो? आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं सारी जिंदगी जोकर में ही रहूं? ओ भाई ये जोकरों वाला काम मुझसे नहीं होता, नहीं करना मैंने। अरे भाई बात सुन, राहुल ने अपना वादा पूरा किया, ये अपना बंदा। वो शौक है ना तुझे वीडियो बनाने का? कल मुरादे बना वीडियो, इसकी बहुत शौक है ना इसे वीडियो बनाने का, इसको ठोकते हुए इसकी वीडियो बनाते हैं। सुल्तान एक बार याद रखना, जुल्म की राज इतनी लंबी होती है, इससे मेरा लाजमी होता है। मुरादे उठा इसे और फेंक दे कहीं। आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो सुनते ही आपके पांव से जमीन निकल जाएगी। आज से 3-4 दिन पहले क्राइम रिपोर्टर जो पूरे शरार तरीके से गायब हो चुके थे, लोग उनके बारे में कहानियां बना रहे थे। कोई कहता है कि वो गवाह हो चुके हैं, कोई कहता है कि वो ये शहर छोड़ के चले गए हैं। लेकिन आज उनकी कहानी का ड्रॉप सीन ये हुआ है कि उनकी लाश नहर से बरामद हुई है। आइए हम आपको वो जगह दिखाते हैं। ये है वो जगह जहां से लाश बरामद हुई है। किसने मारा, क्यों मारा, इस बारे में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई मालूमात मिलती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैं हूं शेख आदिल, कैमरामैन इमरान के साथ, RYK न्यूज़। मैंने बड़ी मेहनत से किया, इसे सिर्फ एक बार देख।
अच्छा हूँ मैं, ठीक है। क्या है इसे? तर ये क्या मजाक है? उसे प्ले करके तो देखें आप। मैं मजाक करने के लिए बैठा हूँ, देख नहीं रहे कि मैं काम कर रहा हूँ। सर मैं धाबे से क्या था, परसों जो मर्डर हुआ है ना उसमें सुल्तान का हाथ है। तो क्या समझता है सुल्तान को? तेरा अच्छा भला शो चल रहा है तो अपना शो कर, क्यों पंगे ले रहा है इसे? पर आप नाम के ही और नहीं देखा है, एक नंबर के। क्या बोलूं मैं आपको? तू क्या समझता है सुल्तान दो कोड़ी का गुंडा है? तू जो कहेगा वो मान लेंगे लोग सारे। तो सर आप क्या उसे हाजी समझते हैं? है तो वो गुंडा ही, पर आपने दम ही नहीं उसकी बात मीडिया पे ला सके। तेरा काम है लोगों को हंसाना, ठीक है? तू लोगों को हंसा, मेरा सर ना खा। चल उठ जा बाहर। मैं भी काम फंस गया। आकर जाना, सिर्फ वो मीडिया वालों को उठा के ले गया। तो आज हम मिलाते हैं आपको सुल्तान प्राचा साहब से, जो किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है। तो क्या चल रहा है सुल्तान साहब आपकी लाइफ में? क्या चल रहा है, हम तो खिदमत के लिए बैठे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सुल्तान साहब, लोगों का मानना है कि जो मर्डर हुआ है उसमें आपका हाथ है? ये तो बस लोगों की बातें हैं। आपको पता है जब बंदा किसी की खिदमत करता है ना तो उंगलियां तो उठती हैं उसकी तरफ। हमारा काम है खिदमत करना, हम तो करते रहेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप उसे नहीं जानते थे? जानता तो मैं आपको भी नहीं। कल को आपको कोई मार जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेरा इंटरव्यू करने आए? मैंने मार दिया। हाँ तो सुल्तान साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब आप आए हमारे पास इंटरव्यू के लिए, हमने आपको डराया धमकाया? ये तो कहने की बातें हैं, पूरा गाँव पड़ा है, जाए घूमे फिरे पूछे मेरे बारे में क्या कहते हैं लोग। सुल्तान साहब, बातें तो बहुत होती हैं लेकिन कुछ बातें कड़वी भी होती हैं। तुझे इसीलिए बिठाया मैंने इधर। सुल्तान साहब, इसकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ, अब आपका इंटरव्यू मैं लूंगा। बस टाइम नहीं है मेरे पास। ना सर, गाड़ी निकाल चले और सुन मुरादे छोड़ के आए इन लोगों को। तू मुझे हर जगह जलील करवाता है। मैंने वही किया जो एक रिपोर्टर का काम है। अब चले,